तो दोस्तों टेक्नो बीस चैनल में आपका स्वागत है। आज का कॉन्सेप्ट है मटेरियल कंडीशंस। ये वो वाली मटेरियल कंडीशंस हैं जो कि फीचर कंट्रोल फ्रेम में, अब हमारा जो फीचर कंट्रोल होता है पहले वाले कंपार्टमेंट में आता क्या, ज्योमेट्री कैरेक्टरिस्टिक। दूसरे वाले कंपार्टमेंट में सबसे पहले आता है शेप ऑफ टॉलरेंस जोन। अगर सिलेंड्रिकल है तो हम वहाँ डालते हैं फाय। यहाँ पे आती है टॉलरेंस, यहाँ पे आती है पोजीशन टॉलरेंस। उसके बाद आता है यहाँ पे मटेरियल मॉडिफायर, मैं यहाँ एम लिख देता हूँ एम, ठीक है। और लास्ट के कंपार्टमेंट में यहाँ पे डेटम्स आते हैं, राइट। तो इस फीचर कंट्रोल फ्रेम में ये जो कंडीशन है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, ये मटेरियल मॉडिफायर है। और इस मटेरियल ये वाले जो मटेरियल मॉडिफायर है ये तीन कंडीशंस पे होते हैं। सबसे पहला मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, दूसरा लीस्ट मटेरियल कंडीशन। एमएमसी, शॉर्ट में एमएमसी बोलते हैं, एमएमसी और एलएमसी। एमएमसी का सिंबल ये है एम इनक्लोज इन अ सर्कल, एलएमसी का सिंबल है एल इनक्लोज इन अ सर्कल। कई बार क्या होता है एम के बाद यहाँ पे एम की जगह पे यहाँ पे एल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन। और कहाँ एमएमसी लगती है कहाँ एलएमसी लगती है वो भी हम आगे करेंगे। तो फिलहाल हम एमएमसी होता क्या है उसके बारे में आज देखेंगे थोड़ा। एमएमसी और एलएमसी पिन के लिए मैंने दो यहाँ पे इसको कैटेगराइज किया हुआ है, पिन और होल। ये एक पिन का एग्जाम्पल है, पिन ये वाली जो पिन है जिसका यहाँ डायमीटर 30 है प्लस माइनस 1 इसकी टॉलरेंस है। और दोस्तों एमएमसी क्या होता है पिन के केस में, एमएमसी होता है मतलब पिन के केस में ये एमएमसी है और ये एलएमसी है। पिन के केस में एमएमसी और एलएमसी, सिमिलरली होल के केस में एमएमसी एंड एलएमसी, ठीक है। तो पिन के केस में एमएमसी क्या होगा, लार्जेस्ट पिन और शाफ्ट डायमीटर। इस शाफ्ट में मैक्सिमम मटेरियल कब होगा, जब इसका डायमीटर, इसकी जो अलोवेबल टॉलरेंस लिमिट दी हुई है, मतलब इसमें डायमीटर 30 दिया हुआ है, इसकी लिमिटिंग जो वैल्यूज होंगी टॉलरेंस की वो कितनी होंगी, डायमीटर 29 एंड डायमीटर 31। कैसे निकल गया ये 30 माइनस 1 एंड 30 प्लस 1, दैट इज 29 एंड 31। अब इस पिन के डायामीटर की, इस वाले डायामीटर की मैक्सिमम वैल्यू का मैक्सिमम मटेरियल कब होगा इसमें, इस वाली पिन में मैक्सिमम मटेरियल कब होगा, जब डायामीटर होगा 31 मतलब लार्जेस्ट डायामीटर। सो एमएमसी इन केस ऑफ पिन इज द लार्जेस्ट पिन और शाफ्ट डायामीटर। सो पिन के केस में होगा 31, एज सिंपल एज दैट। दूसरा है एलएमसी, एलएमसी में होगा लीस्ट मटेरियल कंडीशन। लीस्ट मतलब मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो इसको मिनिमम यहाँ नहीं लिख सकते थे क्योंकि एम ऑलरेडी ले लिया था, तो यहाँ पे इन्होंने इसलिए एएसएमई ने लीस्ट लिया हुआ है, लीस्ट मतलब मिनिमम। अब लीस्ट मटेरियल कंडीशन इसके केस में कब होगी, जब डायमीटर होगा सबसे छोटा, दैट इज 29। सो एलएमसी इन केस ऑफ पिन, स्मॉलेस्ट पिन और शाफ्ट डायमीटर। सो पिन के केस में होगी 29, वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। सो पिन के बाद हम बात करते हैं होल की। होल के केस में देखिए थोड़ा सा, होल में क्या होता है, ये वाला मेरा होल है, ये वाला इसका, ये फ्रंट व्यू है, ये राइट साइड व्यू है, राइट। तो इसमें ये डायमेंशन सेम ही दी हुई है मैंने, 30 प्लस माइनस 1, ठीक है। तो इसमें प्लेट के अंदर मैक्सिमम मटेरियल कब होगा, ये सोचने वाली बात है। प्लेट के अंदर मैक्सिमम मटेरियल तब होगा, किस मटेरियल की बात कर रहा हूँ मैं इस मटेरियल की बात कर रहा हूँ, ये मेरा जो शेडेड मटेरियल है, मैं इस मटेरियल की बात कर रहा हूँ। ये जो यहाँ क्रॉस हैचिंग में दिखा सकता हूँ, ठीक है। इस प्लेट में मैक्सिमम मटेरियल कब होगा, जब होल सबसे छोटा होगा, ये उल्टा है, होल सबसे बड़ा होगा मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन होगी। पर सॉरी, शाफ्ट का डाया अगर बड़ा होगा तो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन होगी। इसमें क्या है, होल अगर सबसे छोटा होगा तब मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन होगी। तो ये भी देखा जाए तो ऑब्वियस ही है, जैसे ही मेरा होल जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ही प्लेट में मटेरियल ज़्यादा होगा, और इसीलिए इसको हम मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन बोलते हैं। अब ये जो टॉलरेंस दी हुई है 30 प्लस माइनस 1, मैं इसको लिमिटिंग वैल्यू में लिखता हूँ। हाउ डू आई डू इट, 30 में से एक गया 29 डायमीटर, ठीक है।
29 और 30 में एक ऐड करेंगे तो डायमीटर आ गया 31। तो एमएमसी की अगर मैं बात करूं तो मैं बोल रहा हूं कि होल जब छोटा होगा तभी मटेरियल ज़्यादा होगा, यानी कि स्मॉलेस्ट होल डायमीटर इन अ होल, स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ होल, दैट इज एमएमसी। सो 29 वुड बी इट्स एमएमसी। सिमिलरली एलएमसी कब होगा, जब होल का डायमीटर सबसे कम मटेरियल होल में कब होगा, जब होल का डायमीटर बहुत बड़ा होगा। देखिए अब मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ, एक ये है और एक ये है। अब आप देखिए किस में, किस होल, किस वाली प्लेट में मैक्सिमम मटेरियल है, इसमें। तो इसलिए होल अगर छोटा होगा तो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन तभी, मतलब उसको छोटे वाली होल की डायमेंशन को बोलेंगे एमएमसी, बड़े वाली होल को डायमेंशन को बोलेंगे एलएमसी। सो ये भी बहुत सिंपल है। सो एलएमसी के केस में डायमीटर मेरा बड़ा हो जाएगा इन केस ऑफ होल। तो अभी एमएमसी और एलएमसी के कॉन्सेप्ट को इसलिए समझना जरूरी था, जब इसे आगे वाला जो मैं लेक्चर लेके आ रहा हूँ बोनस टॉलरेंस का, बोनस टॉलरेंस का जो लेक्चर होगा, वर्चुअल कंडीशंस का जो होगा, रिजल्टेंट कंडीशंस का होगा, उसमें ये सारी चीज़ें और वर्स्ट केस बाउंड्री, इनर बाउंड्री, इनर बाउंड्री, एक्सटर्नल बाउंड्री, ये सारे की सारे कॉन्सेप्ट्स में ये दो वाले कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली पहले एक पूरा एक वीडियो लेके आया हूँ मैं।